निर्मित रूप से नहीं जाना पाता ना। नेक्स्ट वन इज पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो न्यू डिवाइस जितने भी डिवाइस डेली लाइफ में यूज करते हैं हर जगह जो बेसिक डिवाइस है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। आईसी हमने नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, रेक्टिफायर, चार्जर, एलईडी, ट्रांसमिटर, लाइट एमिटिंग डायोड, बहुत सारे वोल्टेज स्टेबलाइजर, बहुत सारे फोटो डायोड, सोलर सेल, ऑल आर पीएन जंक्शन डायोड यानी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करके एक बेसिक डिवाइस बनेगा दैट इज नेम्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं जी क्या होता है। इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पीएन जंक्शन डायोड व्हाट इट इज देखें जरा, ये बातें मैं बार बार बोलता हूं कि जो टीचर के अकॉर्डिंग चलेगा वो कामयाब है, जिसने अपना दिमाग चलाना है उसे स्ट्रगल या फाइट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वी आर नॉट ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है, मुझे लगता है हमें टीचर को पेरेंट को कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं हम, क्या चल रहा है, बट दे डोंट नो। जितना वो सोचते हैं उससे दस तक कुछ टाइम बाद क्या सोचेंगे वो भी हमें पता है, पेरेंट्स को ही पता है। और फिर अल्टीमेटली सारा क्वेश्चन मार्क लगता है रिजल्ट पे, एंड आई बिलीव इन रिजल्ट ऑनली, ठीक है ना। सब बच्चे समझ रहे होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जिनको बोल रहा हूँ उनको तो जरूर समझ रहे होंगे। पी टाइप एन टाइप का आता हूँ टॉपिक पे। पी टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दूसरा कौन है जी एन टाइप, ये पी टाइप ये एन टाइप, इट हैज होल्स एज मेजोरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स एंड होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स। अक्सर सोचते हैं कि हम पी टाइप एन टाइप को कॉन्टैक्ट में रख दें फिजिकली तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, आंसर इज नो, ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा समझते हैं। वी टेक अ वेरी थिन लेयर ऑफ प्योर सिलिकॉन लाइक एल्यूमिनियम फॉयल वी यूज इन आवर हाउसेस टू रैप द लंच, यू नो दैट एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हैं ना, वो करने नहीं चाहिए पता ही होगा हम सबको, क्लियर सर जी हाँ कह ही रहा है सर, पता है हमें बता दिया था आपने, कल दोबारा मत बताओ पढ़ा हुआ आपका नाम मैंने कहा दिए अपने आप। देखिए जरा एल्यूमिनियम फॉइल कितना थिन होता है, यू नो दैट अ वेरी थिन एल्यूमिनियम वेरी थिन सिलिकॉन फॉइल प्योर सिलिकॉन उसके ऊपर अ वेरी थिन लेयर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, prevalent impurities kept in contact heated to very high temperature more than 1000 kelvin and cooled slowly, ye ban gaya prevalent impurity rakhi thi kya ban gaya p type semiconductor, now a very thin layer of pentavalent impurities kept in contact heated to very high temperature and then cooled slowly. सर दूसरी साइड लगा दी, ये बन गया पी एम, नहीं उसी साइड लगा लो क्योंकि पहले पी टाइप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ चले, मतलब दो साइड है ना, एक साइड पी टाइप एक साइड, ये प्योर सिलिकॉन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस पे पी लगाया प्रेवलेंट इंप्योरिटी लगाई पी टाइप बन गया, ठीक है। पी टाइप पे फिर हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की लेयर रखी और हीट अप किया कूल कर दिया, एन टाइप बन गया तो पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट बन गया। एंड यू विल फील सरप्राइज्ड
जो टोटल पीएन जंक्शन डायोड बनेगा वो टोटल इस लाइन की थिकनेस से भी कम होता है। यानी आप पीएन जंक्शन डायोड सर्च मारोगे गूगल पे या लैब में देखा होगा आपने या चार्जर के अंदर लगा होगा, बहुत सारे अडैप्टर में बहुत जगह लगा होता है, इतना बहुत छोटा सा होता है, वेरी वेरी छोटा सा। और वो तो उसमें बाहर उसकी जो है उसको जो है रैप भी किया हुआ है रिजिड बॉडी के अंदर, उसके अंदर डायोड कितना सा होगा। तो माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है और मेमोरी बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते हैं। पढ़ते हैं कैसे बनता है, थोड़ा सा मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पी टाइप एन टाइप और जंक्शन डायोड कैसे बनेगा। क्या करेंगे, वी टेक अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड अ थिन लेयर वेफर भी कह देते हैं, थिन लेयर ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, थिन लेयर ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज kept in contact and heated to very high temperature that is more than 1000 Kelvin and क्या करते हैं, कूल्ड स्लोली। अब क्या करेंगे जी, ये पी टाइप बन गया। नाउ अ थिन लेयर ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, नाउ अ थिन लेयर ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, कैप्टन कॉन्टा इज कैप्टन कॉन्टा एंड अगेन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, अगेन वही मोर देन 1000 केल्विन एंड कूल्ड स्लोली। ये सब करने कर जब हम कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ऐसा हो रहा होगा, तब इसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे वो हमें डिफाइन करने हैं। वो पूरा सारे पूरा पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन भी आया है बोर्ड एग्जाम में, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो उसमें से बीच में से पार्ट्स भी पूछ लेते हैं। क्या क्या है जी, सबसे पहले सेटअप क्या होगा, कोई ना डिफ्यूजन करंट, सबसे पहले डिफ्यूजन करंट, उसके बाद क्या बनेगा, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, आफ्टर दैट इसके बाद बनेगा पोटेंशियल बैरियर। सब कुछ डिफाइन करेंगे एक एक करके, पोटेंशियल बैरियर, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा एंड फाइनली क्या सेटअप हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। ये सारे जो है पार्ट्स इसके वर्किंग में है, फॉर्मेशन में है, कंप्लीट आता है तो इन सब को डिफाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बीच में से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कहीं से भी, सो व्हाट इज दिस, जैसे ही हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर दोनों तरफ के मेजोरिटी कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, विल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे गैसेस आपस में डिफ्यूज होती हैं ऐसे ही ये भी आपस में डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, यानी सबकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लस अपोजिट चार्जेस हैं रिपेल करेंगे, ऐसे बढ़ रहा है।
अट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां के होल्स इधर भागेंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, दैट इज ये होल यहां तक आ रहा है, न्यूट्रल है, बट जैसे ही होल यहां से बाउंड्री क्रॉस करेगा, इधर एक पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव, क्यों, पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया तो एक नेगेटिव वैकेंसी क्रिएट होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे बाउंड्री करके इधर आएगा, यहां पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इस तरह से जैसे जैसे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में डिफ्यूज करेंगे, मूव करेंगे, तो इधर नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी और एन साइड में पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाएगी, दिस लेयर इज नेम्ड डिप्लेशन लेयर, इसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, दैट इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। सबसे पहले क्या हुआ था जी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इट इज, करंट सेट अप ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट सेटअप होगा डिफ्यूजन की वजह से, होल कहां डिफ्यूज होंगे, होल डिफ्यूजन P2N एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन N2P, Gitansh getting my voice? In which whole diffusion kidhar hoga? P2N. Whole diffusion takes place P2N and electron diffusion takes place from N to P like this. So what is its direction? Diffusion current ki direction kya hogi? जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स कहां जा रहा है, एन टू पी, पी टू एन, किधर जा रहा है, पी टू एन, हाँ पक्का आयुष, किधर जा रहा है, पी टू एन, पी टू एन, मुझे मैं स्पोर्टल पॉकेट 25 से पॉकेट 12 की तरफ, नहीं इधर पॉकेट 13 की तरफ मोमोज मिलते हैं ना, पानी आ गया नाम देखते, पी टू एन टाइप, जिसकी वजह से क्या बन गया, यहां पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई है, वेरी थिन, व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, इट इज अ लेयर ऑफ में चार्ज कैरियर्स, लिखना बेटर है, लेयर ऑफ चार्ज कैरियर्स डेवलप्ड नियर द जंक्शन, डेवलप्ड नियर द जंक्शन, दैट इज इस डिप्लेशन लेयर में एन साइड हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव चार्ज है, और पी साइड में नेगेटिव चार्ज है, मतलब लो पोटेंशियल पे, क्या डेवलप हो गया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, दैट इज नेम्ड पोटेंशियल बैरियर, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप और डेवलप्ड इन द डिप्लेशन लेयर, developed in depletion layer,
Anybody tell me what is the potential difference for silicon diode? Silicon diode ka. अरे वाह सुहानी राइट. पर सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 वोल्ट. राइट आंसर आदि देखा है सुहानी. अच्छा हो सकता ऑनलाइन भी ऐसे ही बताया हो. नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. दिस इज अ रियल थिंग. ऑल द थिंग्स ऑन एसपीओ. वेरी गुड सुहानी. नेक्स्ट वन. अब कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. यानी ये जो पार्ट है ये एक बैटरी बन गई है इस तरह से, जिसमें इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज. ध्यान दें ये बैटरी कनेक्ट कर दी क्या मैंने? नो. ये पार्ट एक बैटरी बन गया है, बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया है. सो इसे फिक्सियस बैटरी कहा जाता है. हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ये पार्ट बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बैटरी से. सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी. इसका थिकनेस कितना जी? 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर. वेरी 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 स्मॉल. सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा? फॉर्मूला पढ़ा था -dV/dr है ना. कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0.7 बाय थिकनेस 1 माइक्रो. माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 मीटर. कितना हो गया जी फील्ड? 7 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर. वी कैन से 7 लाख वोल्ट पर मीटर. 7 लाख घरों में कितना आता है? 220 वोल्ट. ये 7 लाख वोल्ट. 7 × 10 पावर 5 यानी 1 लाख. 7 लाख वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इतनी एक वेरी थिन लेयर के अंदर से डेवलप हो गया है. वो छोटी सी लेयर में इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो गया है. वो फील्ड ही सब कुछ करता है. सारी एनर्जी डेटा जो भी कुछ हो रहा है वो सब इसी में स्टोर हो रहा है. यही सारे काम करता है. यही आपका SD कार्ड है, पेन ड्राइव है, फोन की मेमोरी है, जिसमें ऐसी ऐसी ऐप स्टोर हो जाती है जो लोकेशन भी बता देती है. हम ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन को. सारा यही होता है. क्या करो बाहर मिलना बहुत बार हो गया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ डेवलप हुआ है जी? डिप्लेशन लेयर में. किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऐसे डेवलप होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा. कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज चैप्टर 1 में टर्म 1 में पढ़ाता हूँ. प्लस QE मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा. एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज -QE यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट. फील्ड किधर है जी? इधर लेफ्ट साइड में. और होल जैसे इसमें एंटर करेगा ये फील्ड इधर फोर्स लगाएगा यानी उसे अपोजिट भेजेगा यानी इधर ड्रिफ्ट कर देगा. जबरदस्ती भेजेगा मतलब ड्रिफ्ट कर देगा उसे. यू नो ड्रिफ्टिंग सर टायर बर्न बोलते हैं है ना. सोचिए इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं. यू नो दैट ड्रिफ्टिंग. अब समझ पा रहे हो टायर बर्न? ड्रिफ्ट मारते हैं ना, स्किड मारते हैं. हाँ सर. फुल स्पीड में हैंड ब्रेक एंड हैंड ब्रेक. हाँ डू नॉट ट्राई दिस वन. इट इज रियली डेंजरस. हाँ जी यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स इधर लगेगा. इन होल्स पे फोर्स इधर लगेगा ना इधर ड्रिफ्ट कर देगा. एंड इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेंगे फील्ड इधर है फील्ड के अपोजिट यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा. हाई टेम्परेचर की वजह से अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ था जिससे डिप्लेशन लेयर में पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड जनरेट हुआ. फील्ड ने चार्ज कैरियर्स को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया. दैट सेट अप वन मोर करंट नोन एज ड्रिफ्ट करंट. नोन एज ड्रिफ्ट करंट. व्हाट इज द
डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, या हम कहें पोल ड्रिफ्ट किधर होंगे, फील्ड की डायरेक्शन यानी N टू P, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फील्ड के अपोजिट यानी P टू N. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट? डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वॉट N टू P टाइप. बंद हो गया, कैंसल. N टाइप टू P टाइप. ध्यान दें, इसमें स्टार्टिंग में हीटअप करते ही डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, जिससे सारे प्रोसेस चलेंगे, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा. इन स्टेडी स्टेट मतलब जब डायोड कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है, स्टेडी स्टेट में जितना डिफ्यूजन स्टार्टिंग में था उतना ही ड्रिफ्ट करंट सेटअप हो गया अपोजिट डायरेक्शन में. सो आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई ड्रिफ्ट. व्हाट इज द नेट करंट? नेट करंट बिकम्स जीरो. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से कुछ ना कुछ डालेंगे. सिंबल क्या है जी? What is the symbol of PN junction diode? Triangle बनाते हैं इस तरह से, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे like this. ये P type, ये N type. Practically diode कैसा दिखता है? Google पे सर्च करें, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो सर्च मारते हैं ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखते हैं. तो गूगल पे सर्च मारेंगे आपको दिखेगा, या लैब में जाए तो टीचर को बोले सर PN junction diode दिखाओ. उसमें एक साइड ब्लैक होगा ऊपर से दिखने में, और एक साइड क्रोम की लेयर होगी, क्रोम प्लेटेड. हल्का सा सिंबल बना रखे हैं, एक साइड पी है, एक साइड एन है, पीएन टाइप पीएन जंक्शन इंपोर्टेंट डिवाइस है. सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डायोड पे बेस्ड है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. अब इसमें क्या बच गया जी? पीएन जंक्शन डायोड बना लिया, अब इसको खराब करके देखेंगे. अब इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं एमवी टू वोल्ट मीटर से स्टडी करेंगे. उल्टी बैटरी लगा देंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो रहा है, उसको स्टडी करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है उसके अंदर. उसके बाद उसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो पढ़ेंगे. ये हमारा चैप्टर, यानी हमें इसको स्टडी करना है डायोड को, बैटरी कनेक्ट करके, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग बोलते हैं, एंड टाइप्स ऑफ डायोड. यानी नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड एग्जाम्स. एंट्रेंस में तो एक्स्ट्रा पार्ट भी है, NCERT में भी दिया हुआ है, हमें पढ़ने चाहिए वैसे. हाँ जी सर. सर क्रोम वाली साइड पी है, रियल में जो होता एन एन. प्लीज देखिए जरूर एक बार, मोबाइल चार्जर में भी होगा, चार्जर खराब, चार्जर में बहुत बार बार कोई एडेप्टर चार्जर खराब घर में जरूर पड़ा होता है. घर में हो ही नहीं सकता ऐसा, घर में तो खराब चार्जर ना पड़ा हो, एडेप्टर ना पड़ा, सारे यहाँ ले आना. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, ई वेस्ट हमें लगता है क्या है. हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ई वेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो हमें, हम पढ़े लिखे समझदार हैं तो हमें ई वेस्ट को ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, ठीक है. उसे कबाड़ी को बेच के आइसक्रीम खा नहीं करो, नहीं. वैसे सही तरीका है कि जो कंपनी बना रही है उसको वापस ले और उसे रिसाइकल करे. करती है ना सर? हाँ कुछ है जो करती है. अमेरिका में जो खराब हो गया वो ठीक करके इंडिया भेज दिया. हाँ, वो चीजें भी ठीक है. बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स होते हैं उसमें, यही होता है. बहुत बड़ी वो सारी चीजें ऐसी यहाँ पे लॉन्च ही नहीं होती, सेकंड हैंड ही आती है. हाँ अभी तो है, बट धीरे-धीरे वी आर ग्रोइंग एंड वी आर मेकिंग न्यू टाइप ऑफ डिवाइसेस लाइक SMPS. धीरे-धीरे नई रिसर्च करते जाएंगे, कुछ नया बनाते जाएंगे, है ना. पीएन जंक्शन डायोड के बहुत सारे यूजेस हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. आज इतना ही पढ़ते हैं.
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्या बोलते हैं, बेल आइकन, बेल आइकन लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट एंड शेयर, थैंक यू, बाय, पास हो दूसरे को भी पास कराएं, हाँ सर, खुद भी पास हो दूसरे को भी पास कराएं, ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, यदि 95 से ऊपर मार्क्स चाहिए थैंक यू जी भाई, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग, स्क्रीनशॉट ले लो, बोले बोले प्लीज, आई एम लिसनिंग, प्लीज स्पीक, टेंपर माइनस सिक्स जो है ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है सर, डीआर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ वो कितने डिस्टेंस में हुआ है, थिकनेस ऑफ डिफ्लेशन देयर इज 1 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, दैट इज 10⁻⁶ मीटर, व्हाट इट प्रिंस, नॉट हमेशा, जनरली ये होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज, रिया भी कुछ पूछ रहे थे, शायद एक स्टूडेंट और पूछ रहा था, पूछे जल्दी से प्लीज, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट, लिसन एवरीवन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पी टू एन इधर होगा राइट, एन की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड होल का ड्रिफ्ट एन टू पी होगा, लेट मी रिपीट, होल ड्रिफ्ट एन टू पी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पी टू एन, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एन टू पी टाइप, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एन टाइप टू पी टाइप, तभी ऑपोजिट हैं और जैसे इक्वल होंगे नेट करंट जीरो हो जाएगा, ओके जी, वेरी गुड, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, स्क्रीनशॉट टेकन।